साल में एक बार होता है कि हम बच्चे को कुछ अच्छा खिला पाते हैं, कोशिश करते हैं छोटा मोटा सा। पता नहीं कितना सक्सेस हो पाए हैं कि नहीं, आप लोग बताना कि आज किट्टू कितना हैप्पी हुआ है। बहुत ज़्यादा हैप्पी हुआ है, तो आप लोग ब्लेसिंग देना। और मेरा थोड़ा सा कोशिश आप लोगों को कैसा लगा है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। और हाँ, आज है किट्टू का बर्थडे, तो आप सबसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ किट्टू के लिए एक कमेंट तो करना, ब्लेसिंग वाला, और कुछ नहीं चाहिए। तो मम्मी सुबह से आज का दिन ही जा रही है, तो मम्मी को मम्मी की मम्मी ने पैसा दिया, वो भी कुछ फटा हुआ था, तो मम्मी वही बोल रही है। तो मम्मी अभी जा रही है मासी के घर बोलने के लिए कि मम्मी जा रही है। तो कहाँ जा रही है, किस लिए जा रही है, क्यों जा रही है, आज के दिन ही क्यों जा रही है, वो भी आप लोग को ब्लॉग में बताएंगे। और चलो अभी मम्मी को चलते हैं छोड़ने के लिए, छोड़ के आते हैं। और आज बहुत सैड सैड लग रहा है, घर के सारे चले जा रहे हैं मेरे बच्चे के बर्थडे वाले दिन, पापा भी चले जाएंगे। रात के 12 बजे किट्टू का बर्थडे मनाने के बाद सुबह कितने बजे नींद टूटेगा? रात का 12 बजे, 12 बजे, 12:30 हो गया था। उसके बाद फिर हम एक मूवी देखे हैं, पता है, फुल मूवी वॉच किए हैं उसको। मुझे 2 से 2:30 बज गया सोने में, नींद ही नहीं आ रहा था उसके बाद, क्योंकि एक बार नींद चल जाने के बाद दोबारा नींद आता नहीं है। और इससे यार किट्टू को देखो, किट्टू भी सुबह उठ गया। किट्टू भी सुबह उठ गया, और ये तो इसका काम ही सुबह उठने का। और हम थोड़ा लेट से उठे, मम्मी चली गई, बोले थे जहाँ जाने वाली मम्मी, और हम जाएंगे 12 बजे। इसीलिए आज आज किट्टू का बर्थडे है। और कहाँ कपड़ा तो पहने हुए हो आज बेटा का? मेरा बर्थडे है, लेकिन बर्थडे सिर्फ रात को मना लिया गया है, आज दिन भर शाम को कोई रहेगा नहीं घर में, इसलिए इनको पहले से इनका हम बर्थडे कुछ प्लान किए हैं, कुछ करेंगे नहीं। हाँ, आप किए प्लान? अच्छा ठीक। आ देखो ये मुझे कहाँ लेके जाएगा, कहाँ जाएगा? ये मुझे खींचे जा रहा है। अच्छा ठीक है, हम कुछ लेके आते हैं। अच्छा चलो, रुको रुको रुको, लेके आते हैं कुछ भी। तो आज किट्टू के लिए सारा कुछ बना रहे हैं, तो क्या क्या बना रहे हैं आप लोगों को दिखाते हैं। और किट्टू आज किचन पे बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लग गया है, और किट्टू अभी गया पापा के साथ घूमने, क्योंकि वो सुबह से ये तीसरी बार घूमने चला गया है, दूसरी 2 बार घूम के आ गया है, फिर अभी गया है घूमने के लिए। चलो दिखाते हैं आज क्या क्या बनाए। एक करेला का भाजी है, गाज पे 3 पीस करेला हुआ था, उसी को भी हमने काट के भाजी बना ली है। परवल का भाजी, ये जो है ना, इस किट्टू को बनाएंगे चिकन। और ये है आलू का फ्राई, ये आलू फ्राई नॉर्मल आलू फ्राई नहीं है, ये बिना इसका प्याज का आलू फ्राई किए हैं, जो नमक और हल्दी दे के थोड़ा देर छोड़ देने के बाद उसके बाद तेल पे करके डीप फ्राई, एकदम कड़कड़ा सा है। ये है चिकन, और एक है कलेजा, और एक है 3 पीस चिकन। इसका हम सब्जी बनाएंगे। टमाटर देखे, टमाटर काट रहे थे ऐसे ही छोड़ दिए हैं। और ये सबके लिए, ये चिकन बना है सबके लिए, एकदम झालझाल लाल लाल टाइप का। तो इस पर कुछ नहीं है, इस पर अभी बस तेल है तो ढक के रखे हैं, अभी हम बनाएंगे। और कुछ कुछ बनाएंगे, जो बनाएंगे आप लोग देखेंगे। तो चिकन किट्टू के लिए कैसे बनाएंगे, ये हमने ना बस फ्राई करके रखा है, और इसको हम सब्जी बनाएंगे, बिना मिर्च का बनाएंगे, वो झाल बिल्कुल नहीं खाता है। अब बना रहे हैं किट्टू के लिए स्पेशल चिकन, और पहले प्याज फ्राई करेंगे, टोमेटो को अच्छे से भून लेंगे, उसके बाद चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। चिकन ऑलरेडी फ्राई किया हुआ है, तो उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, क्योंकि इसमें हम गरम मसाला या फिर मीट चिकन मसाला कुछ भी नहीं डालेंगे। तो जो नॉर्मल मसाला होता है ना, हल्दी, नमक, और होता है कि अदरक लहसुन, और होता है जीरा और धनिया, बस थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट है, उसी को देंगे और कुछ नहीं देंगे। अच्छे से भूनने के बाद पानी डाल देंगे, और जो थोड़ा गाढ़ा रखेंगे, पतला वाला झोल नहीं बनाएंगे। आज मम्मी जो गई है ना, मम्मी की कजिन सिस्टर डेथ हो गई थी, तो उनका 40 दिन का आज काम है, मतलब बड़ा काम, जिसको बोलते हैं, उसी के लिए मम्मी आज सुबह सुबह चली गई है, वो जाना बहुत ज़रूरी था, और इसीलिए। टू क्या लाए हो, पापा के साथ गए थे, पता नहीं रेड रेड कलर क्यों आ रहा है। बस बदमाशी ना करो, देखते हैं क्या क्या लाए हैं। मुड़ी 2 पैकेट, आज बच्चे लोगों को शाम में कुछ नाश्ता वगैरह का देखते हैं, मुड़ी वगैरह, चनाचूर, नमक, नमक कितना टेढ़ा, तेल,
बोलो। खाना खाना बन गया, अब हाथ चढ़ा हुआ है। ये क्या लाए हैं? चीनी, सोमरा, चॉकलेट। कितना थोड़ा सा लेके आए हैं, बच्चे लोगों को हम देंगे। आपके मामा ना सारे चीज़ में कंफ्यूज़ करते हैं। और है ये मेरा सामान, किट्टू का सामान भी खत्म हो गया, लाने वाला है पर आया नहीं है। आज हमने अभी तक बिस्तर नहीं ठीक किया है, सब बिस्तर में बच्चे लोग खेल रहे हैं और हाइट में देखो अभी थोड़ा घर में। यस नीचे मारो हैं भाई, क्या मम्मा है, नीचे झाड़ू मारो, नीचे झाड़ू मारो। So, इनका भी हमने आज खाना लगा दिया। आज का खाना कैसे बन रहा है बता? आज का तो मतलब देने का स्टाइल वो अलग है, बंगाली स्टाइल है ये, बंगाली स्टाइल है ना। हाँ, और भी दो तीन आइटम होता ना तो और अच्छा लगता, पर टाइम का क्राइसिस। और आप... हम रेडी हो चुके हैं, हाँ। खा के हम निकल जाएंगे। आज का दिन आप रह भी सकते थे, आज का दिन रहना भी। क्यों? कोई बात नहीं, हम नहीं रोकेंगे बेबी, हम नहीं बोलेंगे रुकने के लिए। काम नहीं करेंगे तो फिर नेक्स्ट डे, एक दिन तो चलेगा, दूसरे दिन हम लोगों के घर पे खाने नहीं बनेगा। जैसे भी है, परिस्थिति को एक्सेप्ट करके खुश रहना है, ये हम सीख गए हैं और अपने फैमिली को भी सिखा दे रहे हैं, है कि नहीं? बस खुश रहना है जैसे भी हालात हो। ठीक है, आप खा लीजिए, अभी मेरा भात चढ़ा। 200 200 300 नहीं 200, वो वाला तो मेरे पास है, वही वाला दीजिए भैया। देखिए इसका और उसका एक ही चौक है ना, उसका और इसका। अभी हमने यही बेडशीट लिया था, बेडशीट वाले भैया आए थे और यही हमने बिछा दिया है, और ऐसे बॉर्डर तो सिलाई नहीं किए हैं अभी तक, और पता नहीं धुंधला धुंधला क्यों आ रहा है, देखते हैं। हाँ, आप सही है। और किट्टू को इतना ज़्यादा पसंद आया, देखो किट्टू नीनू नीनू कर रहा है। चलो दोनों आज मम्मू बेटे दोनों साथ में नहा लिए हैं। अब एक काम बाकी रह गया कि मुझे बालिश का कवर सीना है, मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है, इसके लिए कपड़ा रखा हुआ है, पर हम जाके जो मतलब जो मशीन से सिलती है उससे सिलाई करके लेके आएंगे, वही टाइम नहीं मिल रहा। ये है आज किट्टू का खाने का कुछ मेनू, दाल सलाद पापड़ और है चिकन, करेले का भुजिया, परवल का भुजिया, एग और है आलू का भुजिया और है भाती। ये रहा किट्टू का पानी का बोतल, और किट्टू आज खाएगा अपने हाथों से, किट्टू आज हैंड से खाएगा, तो मम्मा ने हैंड वॉश करा दिया है। अब किट्टू खाना खाओ। हाँ, आज मम्मा नहीं खिलाएगी, आज आपको खाना है। नहीं नहीं नहीं, आज मम्मा नहीं खिलाएगी, आज किट्टू अपने हाथों से खाएगा। बलून, कोई बात नहीं, बलून यहाँ पे है ना, तो वही बोल रहा है। चलो आज किट्टू अपने हाथों से खाओ, चाहे लेफ्ट हैंड से खाओ चाहे राइट हैंड से खाओ, मम्मा तो हमेशा आपको खिलाती है, आज नहीं खिलाएंगे, आज किट्टू अपने हाथों से खाएगा। पहले आपको भाती खाना है, और जब से आए चिप्स खा रहा है। आर यू हैप्पी? आर यू हैप्पी? हैप्पी, वाह। साल में एक बार होता है कि हम बच्चे को कुछ अच्छा खिला पाते हैं, कोशिश करते हैं छोटा मोटा सा, पता नहीं कितना सक्सेस हो पाए हैं कि नहीं। आप लोग बताना कि आज किट्टू कितना हैप्पी हुआ है, बहुत ज़्यादा हैप्पी हुआ है, तो आप लोग ब्लेसिंग देना, और मेरा थोड़ा सा कोशिश आप लोगों को कैसा लगा है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखते हैं वो आप हाथों से खाता है या फिर खिला देना पड़ता है। यम्मी, थैंक यू बेटा, आप इतना बोल दिया हम इसी में खुश हैं। आज हम बहुत ज़्यादा हैप्पी है, बहुत ज़्यादा अच्छा दिन भी है। और एक बात है कि बाहर बारिश हो रहा है, किट्टू जब हुआ था शाम का 5:30 में, तब भी बहुत जोर का बारिश हो रहा, इतना बारिश हो रहा था कि मतलब उस दिन पे उतना बारिश होगा कभी किसी ने सोचा नहीं था, बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है। फर्स्ट बर्थडे में बारिश हुआ है, सेकंड बर्थडे में बारिश हुआ, थर्ड बर्थडे पे भी बारिश हो रहा है। तो मम्मी बोलती है कि जो जिस सीजन पे मतलब जन्म होता है उस सीजन मतलब उस दिन उसका वो रहता है। तो हम पहले सोचते थे कि शायद ऐसा नहीं होता होगा, ऐसे बहुत कुछ होता है कि बात ऐसे होता है, पर अब मुझे धीरे धीरे यकीन होने लगा है क्योंकि तीसरे साल भी बारिश हो रहा है। तो हम सोचे थे ना एक साड़ी पहनेंगे, हम निकाल के भी रखे, कल रात में भी सोचे थे निकाले थे, फिर सोचे कि अभी तो फिर पहनना है, फिर अभी तो मुझे चेंज करके सोना है तो नहीं पहने हैं, अभी फिर निकाले थे कि हम पहनेंगे नहा धो के आए, तो बारिश स्टार्ट हो गया बाहर, देखो बारिश हो रहा है पूरा, मतलब धूप तो बिल्कुल नहीं, अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है, तो वो भी कैंसिल हो गया। तो हमें एक सिंपल सूती का साड़ी पहन लिया है, सूती वाला। ओ बाबा,
हाँ खा लो खा लो किट्टू, यार हाथ खा तो नहीं पा रहा है, थोड़ा बहुत बदमाशी कर रहा है, शरारत कर रहा है और चिप्स खा रहा है, तो इसको हम खिला देते हैं क्योंकि ये अकेले नहीं खा पाता है, खाएगा बिल्कुल भी नहीं, बस खेलते खेलते ही उठ जाएगा, उसके बाद बोलेगा खाना नहीं है, तो इसको हम पहले खिला देते हैं उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। और नया बेडशीट कैसा लगा है बताना, ओनली 200 रुपीज का है, और इससे पहले बहुत लोग आते थे जो 300 बोलते थे पर कम कम कर रहे ना, तो 250 से नीचे देते नहीं थे, 200 में दे रहे थे तो हम ले लिया, मेरे पास था भी नहीं, मतलब था अब कुछ अच्छा नहीं था, सब यूज किया हुआ था, कोई रखने वाला नहीं था, तो आज हमने लिया, बलून भूफ बूम हो गया, तो आज हमने इसको बिछा भी दिया है, बस आज के दिन के लिए, फिर हम उठा के रख देंगे इसको। घर में सोया था और अभी हो रहा है शाम का 6, अभी तक नहीं उठा है, और इसकी सिस्टर आ गई है इसको उठाने के लिए, हम सोचे थे कि थोड़ा सा और थोड़ा सा सेलिब्रेशन करेंगे, ये उठ ही नहीं रहा, उठ जाओ किट्टू, आ जा, इसकी आंटी भी आ गई, किट्टू उठोगे नहीं, नहीं सिस्टर लोग आके घूम घूम के चली गई सब, बच्चे लोगों को बुलाए थे शाम में, अभी 6 बज गया है, अभी तक कोई नहीं आ रहा है और हम अकेले, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, फिर मुझे मतलब रात का खाना ही बनाना है, फिर बच्चे लोग आएंगे तो उन लोगों का भी कुछ टिफिन का इंतजाम किया है, और मुझे बहुत टेंशन हो रहा है हम क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सबको फिर बुलाने के लिए भेजे हैं, देखते हैं किट्टू यहाँ बैठा है, अकेले अकेले ना मतलब अच्छा भी नहीं लग रहा, अच्छे किए थे जो कल रात में हम लोग मतलब घर के फैमिली मेम्बर लोग थोड़ा बहुत सेलिब्रेट कर लिए थे, नहीं तो वो भी नहीं कर पाते क्योंकि अभी का माहौल देख रहे हो, और देखते हैं बच्चे लोग आने के बाद क्या कर सकते हैं, कुछ बच्चे लोग आए हैं और कुछ आना बाकी है, सब कर रहे हैं इंतजार, और किट्टू अभी भी कैप लगा के रेडी हो रहा है, बस इंतजार है सबका आने का, बच्चे लोग रहते रहते इतना बोर हो गया कि अपने से डांस करने लगा बिना गाने का, अपने लोग गाना गा रहे हैं और खुद ही डांस कर रहा है, और एक चीज़ प्रॉब्लम हुआ है वो है कि कल जब हम कैंडल लेके आए थे कल रात में भी नहीं जला और अभी भी जलाने की कोशिश कर रहे हैं तो भी नहीं जल रहा है, शायद इसी पे कुछ प्रॉब्लम है, तो बिना कैंडल का ही इस साल किट्टू ने केक काट लेगा, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। थैंक यू बोलो, थैंक यू बोला दादी को, थैंक यू बोला देना, केक खा केक का फोटो ले भी देना, रंग चली दादी को केक खिला दो, बाबू हट जाओ, पकड़ लो केक बना दे, देखे आ लो केक उठा, केक उठा लो, उठाओ केक, पकड़ो केक, पकड़ो केक उठाया, पैसा गिर गया है वही दिख रहा है, दो मामा को आ लो पैसा, ये केक पकड़ो, केक पकड़ो दादी को खिला दो, दादी को पकड़ के मैं दादी को खिला दो, दादी को खिला दो, ये हाथ से, ये हाथ से उठा लो, उठाओ केक पकड़ो, केक पकड़ लो, मम्मी को लगा दी, लो सब छोटे छोटे एक एक पीस करके ले लो बच्चों का, ठीक है एक एक ले लो, छोटा सा है ना, बस छोटी एक ले लो, देखो चाह, अरे रुको सबको एक साथ लेगा, अरे गोली भी लो लो, तुम जहाँ ना थोड़ा सा खा लो, देखे हो तो ये सब छोटी कहाँ गई, रुको हम देते हैं छोटी दो, और देखो अभी अभी जो हैप्पीनेस फैमिली के साथ मिलता है वो दुनिया के किसी भी कोने पे आपको नहीं मिलने वाला, तो इसीलिए अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और उन लोगों को ढेर सारा प्यार कीजिए, थैंक यू।